लगभग 35 सेकंड की इस वीडियो में आप जिन बुजुर्गवार महिला को देख रहे हैं वो थप्पड़बाज नेता नरेश मीणा की मां हैं, जो बेटे की गिरफ्तारी से भावुक हो उठी हैं। इस वायरल वीडियो में नरेश मीणा की रोती हुई मां को कुछ अन्य औरतें दिलासा देते और हिम्मत बंधाते दिखाई दे रही हैं। नरेश मीणा की माताजी की ये वीडियो समरावता गांव की बताई जा रही है। इससे पहले नरेश मीणा के पिता की भी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने बेटे के पकड़े जाने पर फूट फूट कर रो दिए थे। अपनी हरकतों से अपने माता पिता की आंखों से आंसू निकालने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता पर लगभग 10 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नरेश मीणा ने ऑन ड्यूटी एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। घटना कुछ दिन पहले देवली उनियारा में राजस्थान उपचुनाव के लिए मतदान वाले दिन की है, जहां पर उपचुनाव के लिए मतदान करवाया जा रहा था। इतने में ही वहां अचानक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा धमके, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उन्होंने समरावता गांव में एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ की गूंज ऐसी थी जिसका शोर वहां मौजूद हर किसी ने सुना। घटना के बाद वहां मौजूद रहे एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र भाटी समेत तैनात दूसरे पुलिस अधिकारियों ने मौके पर बीच बचाव कराया था। नरेश मीणा की आपत्ति मतदान प्रक्रिया में किसी तरह की कथित गड़बड़ी से जुड़ी थी, जिससे उसकी नाराजगी इस अंदाज में फूट पड़ी। इसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और नरेश मीणा को अरेस्ट करने की कोशिशें शुरू की गईं, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही बड़ी संख्या में उसके समर्थक जमा हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। पुलिस टीम पर पथराव तक किया गया। हालांकि पुलिस ने इसके बाद एक ऑपरेशन चलाकर नरेश मीणा को धर दबोचा। उसे टोंक जिले के देवली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वो उसकी परेशानी बेहद बढ़ाने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।